बनाने वाली हूँ पूनम आनंद, जो कि इस वक्त हमारे साथ में है। यू और आपकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप बताइए। पेंटिंग मैंने जो बनाई थी, मेरे मन में एक थॉट आया था, देन पीपल लव ईच अदर, तो एक स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए। जो स्पेस, जो ब्रीदिंग स्पेस हम कहते हैं आजकल, वो स्पेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी क्लोजनेस हर वक्त अच्छा नहीं लगता है। मतलब थोड़ी सी दूरी हो, थोड़ी तन्हाई हो, थोड़ा तो कोई भी, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों के साथ ही आप एक रिलेशन ले लीजिए। आप अगर बच्चे स्कूल ना जाए, बस हर वक्त साथ में रहे, उनको इरिटेशन होती है। वैसे ही अगर हस्बैंड ऑफिस ना जाए, ऐसे लगता है यार कब जाओगे। हर एक रिलेशन में ये है, थोड़ा सा डिस्टेंस को एक बैलेंस मिला, थोड़ा सा बैलेंस दिखाने की कोशिश की। मेरे एक्चुअली सारे पेंटिंग्स में कुछ एक थॉट आता है, उस थॉट को कैसे एक राइटर होता है वो पेपर पे लिख देता है, अब एक आर्टिस्ट है तो वो अपने थॉट्स को कैसे एक कैनवस पे उतारे, ये कभी कभी जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थॉट को कैनवस पे उतारना कोशिश करती हूँ। ये मेरे स्कल्पचर्स के ऊपर है, स्कल्पचर सीरीज में से कुछ दो पेंटिंग्स हैं। ये वाली है, ये एक हार्ट सर्जरी के ऊपर मैंने कभी दो लाइन खोली थी, अगर दिल खोल देते यारों के आगे ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। ये थॉट आया कि ये जो चार लेडीज़ हैं, ये काम करती हैं, मतलब सब्जी भाजी बेचती हैं, उनके पास बच्चे भी हैं छोटा, तो बहुत बिजी होगा इनका लाइफ। इसके लिए भी ज़रूरी है ये टाइम, जब अपने लोगों के साथ बैठकर बातें करें और अपना दिल से बात बांट, सुख दुख बांट। लोग कहते हैं कि ये बेकार, तुम टाइम वेस्ट करो, एक्चुअली ये टाइम वेस्ट नहीं है, अपने घर वालों के साथ बात करना, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ये जो टाइम स्पेंड करना होता है, दिस एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू लिव अ फुलर लाइफ। हाँ, वेरी नाइस। ये वाली एक मोटिवेटिंग, इसका नाम मैंने ऐसे इमोशन सर्कल है। हम जैसे कलर्स के बारे में जब सोचते हैं, हर एक कलर को एक इमोशन से हमने जोड़ दिया है। जैसे अगर हम लव की बात करें तो वो रेड है, पीस की बात करें तो वो वाइट है। ऐसे आप सोच के देखें तो हर एक कलर को हमने एक इमोशन के साथ जोड़ा है, लेकिन रियलिटी में कोई भी इमोशन इतना प्योर होता नहीं है। हर एक में डाइवर्जेंस होते हैं, हर एक इमोशन में डेप्थ होती है, और जहाँ कॉम्प्लेक्स इमोशंस की बात आती है, तो इंसान में कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, प्योर इमोशंस नहीं होते हैं। किसी भी इंसान के लिए प्योर लव है ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें जेलसी भी होगी या कई ऐसे इमोशन चीज़ें। तो ये मुझे ऐसा लगा कि मैं अलग अलग इमोशंस को पोर्ट्रे करने का कोशिश किया। वेरी नाइस। जैसे ये लाइट ग्रीन वाला, आई थिंक Anyway, Poonam, was nice. See your paintings. What is